हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट वीडियो में हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं टोटल। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। बीए लिमिटेड एंड डीए लिमिटेड, ये दो कंपनीज हैं जो कि सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर आर एज फॉलोज, यानी दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं। सो बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड करंट लाइबिलिटीज, ये सब दे रखे हैं। इनकम स्टेटमेंट भी दे रखा है, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस यानी फिर टैक्स यानी ईएटी, टैक्स के बाद अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, दोनों दे रखे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि है 1,80,000। डिविडेंड पेमेंट रेशियो दे रखा है 40%, 60%। मार्केट प्राइस दे रखी है 40-15। बट द क्वेश्चन इज नॉट एंड देयर। इसके आगे ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, जो कि 12 मार्क्स का आया हुआ है आपका सी ए फाइनल 2008 एंड सी ए फाइनल 2015। सो assume that both the companies are in process of negotiating a merger through an exchange of equity shares. अब मेन हमारी बात आई कि ये दोनों बी ए लिमिटेड एंड डी ए लिमिटेड बोथ मर्ज होने वाली है, तो उसी के लिए नेगोशिएट करने वाली है मर्जर के लिए बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले पता करो कि एक्वायर कंपनी कौन सी है, टारगेट कंपनी कौन सी। बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, तो आगे रीड करते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू असिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग इक्विटेबल एक्सचेंज टर्म्स एंड आर रिक्वायर्ड टू। अब हमें कहा जा रहा है कि आपको असिस्ट करना है इक्विटेबल एक्सचेंज टर्म्स से रिलेटेड, यानी जो भी एक्सचेंज टर्म्स होंगे उसके लिए आपको अपनी असिस्टेंस देनी है, यानी आप हेल्प कर कीजिए इस टर्म को नेगोशिएट करने में, इस डील को नेगोशिएट करने में आप हमारी मदद कीजिए, ऐसा कहा गया है। ओके, तो कर देंगे हम। नेक्स्ट, डीकम्पोज, क्या कहा गया, डीकम्पोज द शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज इनटू ईपीएस एंड पीई कंपोनेंट्स। सबसे पहले इतना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा गया, डीकम्पोज कीजिए शेयर प्राइस को किन दो चीज़ों में, इक्विटी पर शेयर, सॉरी अर्निंग्स पर शेयर एंड पीई रेशियो यानी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, कैलकुलेट द ईपीएस। ईपीएस कैसे निकलेगा, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, तो ईपीएस क्या आ गया हमारा 2.1। एंड फॉर द सेकंड कंपनी वी कैन कैलकुलेट बाय 99,000 डिवाइडेड बाय 80,000, सो आ गया 1.3375। सो ईपीएस हम निकाल दिया। अब ईपीएस निकल गया तो पी रेशियो भी निकल जाना चाहिए। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है हमको 40 एंड 15, एंड ईपीएस हमने अभी निकाला, सो हम इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 2.1, तो आ गया हमारा पी रेशियो 19.0476। एंड फॉर द सेकंड कंपनी व्हाट इज द ईपीएस, ईपीएस क्या निकाला था हमने, 1.2375। ओके, 1.2375, सो 15 डिवाइडेड बाय 1.2375, तो द रिजल्ट विल बी 12.12। सो हमने पी रेशियो भी निकाल दिया दोनों का। ओके, नाउ सो कहा गया था डीकम्पोज कीजिए ईपीएस, मार्केट प्राइस को ईपीएस एंड पी रेशियो में हमने कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। एंड ऑल्सो सेग्रीगेट देयर ईपीएस फिगर्स इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बुक वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर कंपोनेंट्स। अब ये कहा गया है कि ऑल्सो सेग्रीगेट कीजिए ईपीएस फिगर्स को किस में, रिटर्न ऑन इक्विटी में एंड इंट्रेंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू में। कर देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है ईएईएस डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना भी फंड है। ये करने से पहले ये क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने जो किया था पहले डिकम्पोज किया था शेयर प्राइस को किस में, ईपीएस एंड पी रेशियो में। ईपीएस निकल गया था हमारा
2.1 lakh डिवाइडेड बाय 1 लाख जो आ गया था हमारा 2.1, एंड फॉर द डी ए लिमिटेड 99,000 डिवाइडेड बाय 80,000 जो कि था 1.2375। अब पी रेशियो हमने कैसे निकाला था, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस जो हमारा आ गया था 19.05 फॉर बी ए लिमिटेड एंड 12.12 फॉर डी ए लिमिटेड। सो इतना क्लियर था। नाउ नेक्स्ट हमें पूछा है कि ईपीएस को सेग्रीगेट कीजिए किस में, आरओई में एंड बुक वैल्यू पर शेयर में। आरओई का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, यानी सबसे पहले ईबीटी आता है, ईबीटी में लेस करते हैं हम टैक्सेस, फिर आती है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पे लेस करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, फिर आता है हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। ओके सो ईएईएस हम निकाल देंगे अभी, एंड इक्विटी फंड जो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड होता है वो। सो कैसे आया ईएईएस, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर इज 2.1 लाख, यानी ईएटी ही ईएईएस है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो डिविडेंड का कोई चक्कर नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो इसीलिए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ही हो गया हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। सो ईएईएस हो गया हमारा 2.1 लाख फॉर बीए लिमिटेड एंड 99,000 फॉर डीए लिमिटेड। ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट इक्विटी शेयर फंड्स, यानी इक्विटी फंड जो होगा हमारा, यहीं कहीं दिया हुआ होगा ये। अब इक्विटी कैपिटल किसकी होती है, इक्विटी शेयर्स की, तो ये ऐड कर दीजिए। रिटेन अर्निंग्स किसकी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो ये भी ऐड कर दीजिए। लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी शेयर का होता है, नहीं, सो ये नहीं करेंगे। करंट लाइबिलिटीज होती है, नहीं, तो कौन सी दो चीज़ें होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स, डेट इज़ 10 लाख एंड 2 लाख सम अप कर दीजिए, 12 लाख फॉर बी ए लिमिटेड एंड 8 लाख फॉर डी ए लिमिटेड। ओके नाउ वी कैन कैलकुलेट आरओई बाय सिंपली डिवाइड 2.1 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, द आंसर विल बी 17.5% हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर बी ए लिमिटेड, एंड फॉर इन केस ऑफ डी ए लिमिटेड 99,000 जो कि हमारा ईएईएस, इन केस ऑफ डी ए लिमिटेड एंड डिवाइडेड बाय 8 लाख जो आ गया हमारा 12.375, तो आरओई निकल गई। अब बुक वैल्यू पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 12 लाख इन केस ऑफ बी ए लिमिटेड एंड 8 लाख इन केस ऑफ डी ए लिमिटेड। सो वी कैन डिवाइड 12 लाख बाय 1 लाख, डेट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारा आ जाएगा 12, डेट इज़ द बुक वैल्यू पर शेयर, एंड इन केस ऑफ अनदर कंपनी डेट इज़ 8 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, डेट विल बी 10, डेट इज़ बुक वैल्यू पर शेयर इन केस ऑफ डी ए लिमिटेड। सो इतना हमने कर लिया, तो यानी क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक हमने कर लिया है। ओके नाउ एस्टिमेट फ्यूचर ई पी एस ग्रोथ रेट फॉर ईच कंपनी। अब हमें क्या करना है, ऐसे बड़े क्वेश्चन जब भी आए ना हमें सॉल्व करते जाना है, हमें यूँ नहीं करना है कि एक बार पूरा ख़त्म होए क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट करूँगा, वर्किंग नोट ठोकते जाओ, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 काम तो आएगा ही कहीं ना कहीं, वहाँ पर साइड में लिख दोगे वर्किंग नोट तो और ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी, तो यही हमें करना है। अब आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेट फ्यूचर ई पी एस ग्रोथ रेट फॉर ईच कंपनी। अब ग्रोथ रेट पूछिए, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोथ रेट कब होती है, जब कंपनी कुछ पैसा रिटेन करके रखती है और कहीं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट रखती है तभी ग्रोथ रेट होती है। अब वो जो कंपनी पैसा अपने पास रखती है उसको क्या कहते हैं, रिटेंशन अर्निंग्स, यानी रिटेन अर्निंग्स, उसका क्या रेशियो होता है, आरआर, यानी रिटेंशन रेशियो। सो रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट विल बी ग्रोथ रेट। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन अर्निंग्स, हम दोनों चीज़ें निकाल चुके हैं, ये दे रखा है इसमें। डिविडेंड पेमेंट रेशियो 40%, अगर डिविडेंड पेमेंट रेशियो 40% है तो यानी 60% क्या किया है, रिटेन, सो 60% विल बी रिटेन अर्निंग्स, एंड इन केस ऑफ डी ए लिमिटेड 60% है डी पी आर, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट तो नहीं कह सकते, जो बचा हुआ, मतलब जो 60% है उसका बचा हुआ 40%, डेट विल बी रिटेंशन रेशियो इन केस ऑफ डी ए लिमिटेड, यानी जितना पे 100 में से कितना 40% पे कर दिया तो 60 बचा, उसमें 60% पे कर दिया तो 40 बचा, तो डेट विल बी रिटेंशन रेशियो इजीली। सो
अब दोनों कंपोनेंट है हमारे पास, रिटेंशन रेशियो भी है आरओई भी है, दोनों को पुट कर दीजिए 0.6, डेट इज़ 60%, परसेंट में लिखेंगे नहीं हम, 0.6 लिखेंगे, एक ही बात है। सो 17.5 डेट विल बी 10.5 विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, एंड इन केस ऑफ डीए लिमिटेड वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज एंड 4.95 विल बी द ग्रोथ रेट। सिंपल, अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट, अब कहा गया बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जीज डीए लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डीए इज लिमिटेड इक्विटी शेयर वुड बी 20 पर शेयर ऑन इट्स एक्विजिशन। अब क्या कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिनर्जीज जो भी होगी उससे ये एस्टिमेट कर रही है बीए लिमिटेड की, डीए लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 पर शेयर। तो अब क्या इसमें आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी एक्वायरिंग कंपनी है, कौन सी टारगेट कंपनी है? यस, इजीली, बिकॉज बीए लिमिटेड एस्टिमेट कर रही है कि इंट्रिंसिक डेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डीए इक्विटी शेयर वुड बी 20 पर शेयर ऑन इट्स एक्विजिशन। यानी किसका एक्विजिशन हो रहा है? डीए लिमिटेड का। यानी एक्वायरिंग कंपनी कौन सी है? बीए लिमिटेड। बीए लिमिटेड इज द एक्वायरिंग कंपनी, डीए लिमिटेड इज द टारगेट कंपनी। ओके, सो यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप ए रेंज। अब अपन को क्या करना है, एक रेंज डिसाइड करनी है ऑफ जस्टिफिएबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियो डेट कैन बी ऑफर्ड बाय बीए लिमिटेड। अब बीए लिमिटेड को हमें क्या बताना है, एक रेंज जिसके दम पे वो ऑफर प्रेजेंट कर सके अपना कि इस रेंज तक हमें करना है ये डील। सो क्या कहा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफिएबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज डेट कैन बी ऑफर्ड बाय बी ए लिमिटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ डी ए लिमिटेड बेस्ड ऑन योर एनालिसिस इन पार्ट वन एंड टू। वट वुड यू एक्सपेक्ट द नेगोशिएटेड टर्म्स टू बी क्लोजर टू द अपर और द लोअर एक्सचेंज लिमिट्स एंड वाई। अब पहले तो एक रेंज निकालनी है हमें और बताना है कि वो रेंज के अपर साइड में डील हो सकती है या लोअर साइड में डील हो सकती है, आपको क्या लगता है? ऐसा कहा गया है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो हम अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक रेंज। रेंज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमेशा रेंज एक टर्म होती है, लाइक 10 to 20 या 20 to 100, ऐसे ये होती है रेंज। रेंज में दो कंपोनेंट होते हैं, एक मिनिमम चाहिए एक मैक्सिमम चाहिए। सो कैलकुलेशन ऑफ रेंज ऑफ जस्टिफिएबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियो, हमें कैलकुलेट करनी है एक रेंज जो कि होगी हमारी जस्टिफिएबल एक्सचेंज रेशियो। सो सबसे पहले मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम स्वैप रेशियो? स्वैप रेशियो क्या होगा मिनिमम? बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, मिनिमम उतना तो लेंगे ही ना टारगेट कंपनी वाले। सो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस डेट इज स्वैप रेशियो विल बी रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट फर्म। यानी टारगेट फर्म का मार्केट प्राइस जो कि है 15 ही है आई थिंक, 15, यस। सो इन केस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी द मार्केट प्राइस इज 40। सो वी कैन कैलकुलेट इट बाय डिवाइडिंग सिंपली 15 डिवाइडेड बाय 40, द आंसर विल बी 0.375। द स्वैप रेशियो, मिनिमम स्वैप रेशियो शुड बी 0.375. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्वैप रेशियो। सो वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम स्वैप रेशियो डेट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया, बी ए लिमिटेड की तरफ से ये इंट्रेंसिक वैल्यू मानी जा रही है, मैक्सिमम इंट्रेंसिक वैल्यू 20 पर शेयर। सो वी हैव टू कैलकुलेट एज 20 डिवाइडेड बाई 40। यानी हमें ये एज्यूम करना है कि उसका मार्केट वैल्यू ही 20 है। यानी रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट फर्म हमने रख दिया 20 और रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरिंग फर्म रख दिया 40। सो स्वैप रेशियो आ गया हमारा 0.5। सो हमें मिनिमम स्वैप रेशियो पता है 0.375, मैक्सिमम पता है 0.5। सो व्हाट विल बी द रेंज? रेंज इज 0.375 to 5.5। सो रेंज ऑफ स्वैप रेशियो 0.375:1 to 5:1, 0.5:1। सो रेंज हमने कैलकुलेट कर दी। अब हमें पूछा गया था कि मिनिमम के आसपास रहेगा डील क्लोज कब होगी, मिनिमम के आसपास या अपर के आसपास। इसके लिए हमें थ्योरी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अब इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि पावरफुल कौन है, यानी पी रेशियो किसका ज़्यादा है।
पी रेशियो एक्वायरिंग कंपनी का ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि पी रेशियो जिस कंपनी का ज़्यादा हुआ वो कंपनी ज़्यादा पावरफुल होगी, तो उसके लिए वो डील क्रैक करना ज़्यादा आसान होगा, उसके टर्म्स ज़्यादा माना जाएंगे डील में, और दूसरी वाली कंपनी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ द वीकर वन। ओके सो रीड करते हैं इसको। इट मे बी ऑब्जर्व डेट एक्वायर इज अ स्ट्रॉन्गर पार्टी, जो एक्वायर कंपनी बी ए लिमिटेड वो स्ट्रॉन्गर पार्टी है टू द नेगोशिएशन, सिंस इट हैज हायर पी रेशियो रिफ्लेक्ट हायर गुडविल, लोअर लेवल ऑफ रिस्क, हायर रिटर्न ऑन इक्विटी एज वेल एज हायर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन, देयरफॉर वी एक्सपेक्ट द negotiated terms to be closer to lower exchange ratio limit because it is favorable to acquire company and the most powerful company is acquire company. So we have to expect that the negotiated term to be closer to the lower exchange ratio limits, that is 0.375:1. So that's it. Now अब देखो क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया, कितना आसान था, अब थोड़ा सा बाकी है वो भी कर लेंगे। कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर ई पी एस बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेशियो ऑफ 0.1:1। अब हमें क्या करना है, पोस्ट मर्जर ई पी एस निकालना है बट एक्सचेंज रेशियो विल बी 0.4:1, यानी फॉर एवरी वन शेयर वी हैव टू गिव 0.4 शेयर टू द टारगेट कंपनी शेयर होल्डर्स। ओके सो पोस्ट मर्जर ई पी एस का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाई एन प्लस डेल्टा एन। वॉट इज एन, नंबर ऑफ शेयर ऑफ एक्वायर, वॉट इज डेल्टा एन, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट कंपनी। ओके सो वी कैन इजीली कैलकुलेट डेट, हाउ ई ए टी ऑफ एक्वायर दे रखा है 2.1 लाख, ई ए टी ऑफ टारगेट दे रखा है 99,000 एंड नंबर ऑफ शेयर ऑफ एक्वायर 1 लाख है। डेल्टा एन डेट इज हाउ कैन डेल्टा एन कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशियो डेट इज 80,000:0.4। सो व्हाट विल बी द डेल्टा, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट कंपनी, सो पोस्ट मर्जर ईपीएस विल बी 2.34। सो दैट्स इट, एक और कर दिया हमने, ये क्वेश्चन पूछता जाएगा हमें करता रहना है बस। इंडिकेट द इमीडिएट ईपीएस एक्रीशन एंड डाइल्यूशन इफ एनी डेट विल बी अकर ईच ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर और टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर दोनों शेयर होल्डर्स के केस में हमें ई पी एस का एक्रीशन या डाइल्यूशन चेक करना है। इनडायरेक्टली कहा गया गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स बट थोड़ा घुमा फिरा के कह दिया, सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट डेट बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट डेट इज कैलकुलेशन ऑफ ई पी एस एक्रीशन एंड डाइल्यूशन पर्टिकुलर बी ए डी ए लिमिटेड। We have to take post-merger EPS that is 2.34 जो हमने calculate किया and adjusted EPS. What is adjusted EPS? Post-merger EPS multiply by swap ratio जो कि आएगा हमारा 0.936। अगर आप इस 2.34 को multiply करेंगे 0.4 से तो आएगा हमारा 0.936। अब pre-merger EPS से हमें compare करना है, pre-merger दे रखा है जो हमने calculate भी किया actually 2.1 एंड 1.2375, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा बी ए लिमिटेड का एक्रीशन हो रहा है 0.25 एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी डी ए लिमिटेड का डाइल्यूशन हो रहा है 0.3015। सो हो गया ये भी। लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है हमारा बेस्ड ऑन 0.41 एक्सचेंज रेशियो यानी स्वैप रेशियो and assuming that BA's pre-merger PE ratio will be continue after merger, estimate the post-merger market price, also show the resulting accretion and dilution in pre-merger market prices। अब आपसे ये भी पूछ लिया कि post-merger market price बताइए और post-merger market price में जो change हुआ है वो बताइए। So इस question में सारे वो question cover हो गए जो अभी तक हमने किए हैं, 6 के 6 question इस एक question में ही cover हो गए। So start करते हैं पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी रेशियो ऑफ एक्वायर कंपनी बिकॉज वी हैव टू एज्यूम डेट, एज्यूम नहीं क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें, तो बाकी अगर नहीं भी दे रखा होता तो भी हमको एज्यूम ही करना पड़ता कि वही पी रेशियो मेंटेन रहेगा आफ्टर मर्जर। सो 19.05 डेट इज़ द पी रेशियो ऑफ एक्वायर कंपनी एंड मल्टीप्लाइड बाय कंबाइंड ईएटी। व्हाट इज कंबाइंड ईएटी, ईएटी ऑफ एक्वायर प्लस ईएटी ऑफ टारगेट डेट इज 2.1 लाख प्लस 99,000। सो डैट विल बी द आंसर
588-64-50, that is the post merger market capitalization. And how we can calculate post merger market price from that? We can easily divide it by n plus delta n. What is n? Number of shares of acquirer. What is delta n? Number of share issued to target company. How we can find that? Multiply shareholders of target company, number of shareholders of target company into swap ratio. So we can calculate delta n. ये आपने हज़ार बार कर लिया होगा, क्योंकि ये हर केस में यही होता है, डिवाइड करना पड़ता है हमें n प्लस डेल्टा n. n एक्वायर कंपनी के शेयर होल्डर्स, डेल्टा n नंबर ऑफ शेयर इशू टू टारगेट कंपनी. पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आ गई 44.58. दैट्स इट. अब हमें क्या करना है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट बनाना है. मैंने रफ में बनाया, बट यू हैव टू मेक इट प्रॉपर एंड विद हाईली प्रेजेंटेबल. Particulars, BA Limited, DA Limited, next, post-merger market price, we have to calculate, jo maine kar di already, but we have to calculate adjusted market price, that is, post-merger market price multiplied by swap ratio, that is 17.83. Now, we have to compare it by pre-merger market price, that is 40 and 15. Now, we can easily calculate the change in market price. In case of BA Limited, there is a gain of 4.58, and in case of DA Limited, there is a gain of 2.83. So there is both win-win situation, so we can expect a good deal, but in question there is no ask for there in question. This is question mein pucha to nahi hai mere khayal se, aisa kuch comment karne ka bola nahi hai, nahi bola. So question mein comment karne ka kuch nahi bola hai, to hame nahi karni, ignore it. But agar question mein aisa bola hota ki comment karo, to hum ye keh sakte the according to the statement of gain or loss to the shareholders in case of market prices. So we judge that both the companies are in gain, so there is a win-win situation is created, so it is the high chances to deal to be done.